समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए बैंकों में अब कैश लेन देन का समय घटाया जाएगा। यही नहीं, इसके साथ दो शनिवार के बजाय सभी शनिवार और रविवार को बैंकों को बंद रखने की तैयारी की जा रही है। आईबॉक और एसबीआई स्टाफ एसोसिएशन की माने तो इन दोनों मुद्दों पर भारतीय बैंक एसोसिएशन यानी आईबीए के साथ लगभग सहमति बन चुकी है। दो घंटे कम होगा कैश का ट्रांजैक्शन। बजट में सरकार ने आरटीजीएस और नेफ्ट में शुल्क की छूट देकर यह साफ संदेश दिया कि अब डिजिटल लेन देन को मजबूती के साथ धरातल पर लाया जाएगा। मौजूदा समय में सरकारी बैंकों में शाम 4 बजे तक ही कैश का लेन देन किया जाता है, वहीं कुछ प्राइवेट बैंक शाम 6 बजे तक कैश का लेन देन कर लेते हैं। लेकिन अब एक बार फिर सरकारी बैंक दोपहर 2 बजे तक कैश का लेन देन करने की तैयारी कर रहा है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के उपाध्यक्ष आरएन शुक्ला कहते हैं कि जब नेट बैंकिंग आरटीजीएस और नेफ्ट जैसी सुविधाएं हैं तो बैंकों में समय कम करना ही उचित रहेगा। आईबॉक के महासचिव दिलीप चौहान ने बताया कि बैंकों में समय की कटौती पर हमारे संगठन ने सहमति जता ली है। एसबीआई स्टाफ एसोसिएशन के महामंत्री के सिंह कहते हैं कि डिजिटलाइजेशन के कारण बैंकों में ग्राहकों का आना कम हुआ है। ऐसे में आईबीए और बैंक कर्मचारी संगठनों के बीच यह सहमति लगभग बन ही गई है कि रविवार और 2 शनिवार के बजाय अब सभी शनिवार और रविवार को बैंक बंद रखे जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही इसकी घोषणा भी होगी।